वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। गोदरेज वुड्स सेक्टर 43 नोएडा में स्थित एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो 10.87 एकड़ लैंड के अंदर 10 टावर्स के साथ आए हुए हैं। 2020 में इनका लॉन्च हुआ था और आज के दिन में काफ़ी हद तक चीज़ें बना हुआ है और 2026 में कंप्लीट सोसाइटी रेडी हो जाएगा। इनमें कुछ रिसेंटली रिटेल स्पेस भी आया हुआ था और इनका क्लब हाउस से लेके जो मेन फैसिलिटीज है वो फंक्शनल हो चुका है। आप अगर इस प्रोजेक्ट की लोकेशंस देखें, सेक्टर 43 पूरे नोएडा का जो मेन पॉश एरिया माना जाता है उनके अंदर ही है और चारों तरफ से वसावट है। आज के दिन में पोजीशन देने के साथ साथ ही लोग रह सकते हैं और ये फॉरेस्ट बेस्ड थीम पे बनाया गया था, तो दैट मीन्स डेंस फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट उनका था। आप चारों तरफ का डेवलपमेंट देखेंगे तो आज के दिन में जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में से आते हैं सराउंडिंग्स में, उनमें एक है पर्ल गेटवे टावर जो ऑलमोस्ट 6000 स्क्वायर फीट में आता है, उनके लगा हुआ सेलेस्टे टावर जो ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो आज के दिन में आप अगर 3BHK ठीक ठाक अगर टिकट साइज लेके चल रहे हैं और एक प्रीमियम जेंट्री में आप एंटर करना चाहते हैं, दैट टू इन हार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे सारे फैसिलिटीज आपको मिल सकेंगे, ये सेक्टर 43 में गोदरेज वुड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। आज के दिन में ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, बड़े साइज़ में कुछ यूनिट्स बीच बीच में उनके पास आते हैं, कुछ इन्वेस्टर के यूनिट भी होते हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब गोदरेज सेक्टर 43 में जब अथॉरिटी की तरफ से लैंड एलोकेशंस हुआ था, ये हाईएस्ट बिडर थे और उन्हीं के थ्रू से वो लैंड मिले। रिसेंटली सेक्टर 146 में गोदरेज ने दो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एक ट्रॉपिकल आइल्स और दूसरा गोदरेज का जार्डनिया। इन दो प्रोजेक्ट में से ट्रॉपिकल आइल्स का कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, 3200 स्क्वायर फीट में कुछ यूनिट मिलता है और दूसरे फेज में जार्डनिया जो 1758 स्क्वायर फीट से लेके 3200 स्क्वायर फीट के बीच में है उसमें भी कुछ यूनिट अभी मिल सकते हैं। ऐसे ही आज के दिन में नोएडा में लैंड एलोकेशन चेंज होने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं डेवलपर के पास, वो बिडिंग प्रोसेस से ले सकते हैं, हाइस्ट बिडर को ही लैंड अलॉट होता है। रिसेंटली आप सेक्टर 45 में एक्सपीरियन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट एलिमेंट्स नाम पे आपने देखा होगा जहाँ पे 18,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास से प्राइस आ रहा है और 2935 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग साइज हो रहा है। तो नोएडा में जो भी प्रोजेक्ट्स आज के दिन में लॉन्च हो रहा है इधर निश सेगमेंट, क्योंकि जो लैंड बचा हुआ है लैंड का कॉस्ट भी काफ़ी हाई है और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेवलपर प्रॉमिस कर रहे हैं वो भी काफ़ी एक्सक्लूसिव है। जैसे कुछ दिन पहले M3M ग्रुप ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, M3M के कलिनन, वो भी पूरे एरिया का अलग ही ट्रेंड सेट करके रख दिया। इनके बाद रिसेंटली सेक्टर 128 नोएडा में LNT का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, साथ साथ CRC का भी एक प्रोजेक्ट आने वाले। तो आने वाले टाइम में जो भी नोएडा में एंटर करना चाहते हैं और जो अच्छे टिकट साइज प्रीमियम जेंट्री देखना चाह रहे हैं, तो कुछ प्रोमिनेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स ही आज के दिन में बचे हुए हैं। ये ऑलमोस्ट 3 साल हो गया प्रोजेक्ट को बनते हुए और बहुत जल्दी इनका पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। सारे फैसिलिटीज ऑलमोस्ट बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट है, दूर से अलग ही नज़र आता है और चारों तरफ में लोराइज डेवलपमेंट है। लेफ्ट राइट आगे पीछे जितना देखेंगे सारे लोराइज डेवलपमेंट है, तो जो कोई भी अपार्टमेंट आप लेते हैं तो अनइंटरप्टेड व्यू ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर आपको कंटिन्यूसली दिखता है। और इनके अलावा भी हम लोग नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद एंड कोलकाता में प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंजॉय द टूर।